So good morning everyone, welcome to Raj Malhotra's IAS. So guys, we are about to start this session and I have already uploaded the PDF. okay, so PDF आपका upload हो गया है, तो आप जाके पहले PDF download कर लीजिए. and we will be starting this session. Nab Kishore, good morning. So let's see what exactly is there for us. देखते हैं आज के अखबार में हमारे लिए क्या क्या है. Straightforwardly we are moving towards our detailed discussion section. Because it आज अच्छा खासा कंटेंट आपको मिलने वाला है. ओके, देर इज अ डिटेल्ड डिस्कशन सेक्शन एंड वी आर गोइंग टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, सो स्काईमेट फोरकास्ट हेल्दी नॉर्मल मॉनसून. ओके, इट इज नॉर्मल, फाइन, कोई बड़ी न्यूज नहीं है. लेकिन यहाँ पे इन्होंने दो चीज मैंशन की है. सो दिस न्यूज आर्टिकल टॉक्स अबाउट अल नीनो, ओके, एंड ला नीना. अल नीनो एंड ला नीना. सो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अल नीनो एंड ला नीना. उसको थोड़ा अच्छे से करेंगे. आर्यन, गुड मॉर्निंग. सो दीज टू टॉपिक्स आर इम्पॉर्टेंट. ओके, सो फर्स्ट लेट्स लुक इन टू द अल नीनो और अल नीनो के क्या इम्पैक्ट होते हैं. ओके, फर्स्ट वी विल लुक इन टू अल नीनो और उसके क्या इम्पैक्ट होंगे वो सब कवर करेंगे. अंकिता, गुड मॉर्निंग. मोहित, गुड मॉर्निंग. सो एज यू सी, दिस इज योर पैसिफिक ओशियन. नाउ नॉर्मल जब हम चलते हैं, सो दिस पार्ट जो है आपका, ओके, ये थोड़ा गर्म होता है. मतलब नॉर्मल स्टांस के अंदर इस टाइप से ही रहता है. इधर गर्मी होगी और यहां पे रेन्स होंगी. बट ड्यूरिंग द अल नीनो ईयर, जब अल नीनो ईयर होता है, तब आपको ये समझना है ये पार्ट गर्म हो जाता है. जो आपके साउथ अमेरिका की कोस्ट है, उसके पास जो सी लगता है पैसिफिक ओशियन, वो गर्म हो जाता है. ओके, सो दिस इज द डिफरेंस दैट यू शुड नो ड्यूरिंग द अल नीनो ईयर. ओके, सो ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन गेट्स वार्म्स अप. तो आपका ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन गर्म हो रहा है अल नीनो ईयर के टाइम पे, और इससे सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है. सो दरअसल ये है क्या, देखो नॉर्मल ईयर में दिस इज योर पेरू करंट, ये आपका कोल्ड करंट होता है, पेरू करंट इधर से चल रहा है. अब अल नीनो ईयर के अंदर क्या होता है, यहां से हॉट वाटर इधर आना शुरू हो जाता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट इधर जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस डिफरेंट हो जाती हैं. हैवी रेनफॉल होता है इधर ड्यूरिंग द अल नीनो ईयर. आपके साउथ अमेरिका में हैवी रेनफॉल होगा. और इंडिया के अंदर क्या इंपैक्ट आएगा, अब इंडिया की अगर हम बात करें तो यहां कहीं आपका इंडिया होता है. अब जब नॉर्मल ईयर की बात करें तो गर्म पानी यहां पे है और इजिली वो इधर चला जाता है, और इंडिया के अंदर अच्छा मॉनसून होता है. ड्यूरिंग द नॉर्मल टाइम मॉनसून हमारा अच्छा होता है. लेकिन यहां से जब अल नीनो ईयर है, एज यू सी, जो आपका गर्म पानी है वो सारा का सारा चला गया आपके साउथ अमेरिका की कोस्ट पे. अब यहां पे लो प्रेशर उतना डेवलप नहीं हुआ और इंडिया का जो मॉनसून होता है वो वीक हो जाता है. ओके, सो ये तो मेजर फर्क आपको मालूम होना चाहिए कि इंडिया के केस में क्या होता है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड देर आर सम कंसेप्ट रिलेटेड टू अल नीनो. वी आर गोइंग टू कवर दोज वन बाय वन, क्योंकि उनमें से कुछ भी कंसेप्ट जो है एज अ स्टेटमेंट आपसे क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं. So it is a climate pattern that describes unusual warming of surface water in eastern tropical Pacific Ocean. अब ये eastern Pacific Ocean देख लो इस तरफ का है. Okay, ये गर्म हो रहा है. Now El Nino was first recognized by Peruvian fishermen. Okay, और पेरू की कोस्ट पे था. So Spanish immigrant called it El Nino, meaning little boy. इसका नाम little boy इन्होंने रखा है. Okay, so ये आपको पता लग गया. Now it is not a regular cycle. ये रेगुलर साइकिल में नहीं होता. जिस साल अल नीनो का इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा, उसी साल जो है क्लाइमेटिक कंडीशंस वेरी करते हैं. रेगुलर साइकिल में नहीं होता. दो चार पांच साल छोड़ के अल नीनो आ सकता है. ओके, कोई प्रेडिक्टेबिलिटी इसकी इतनी ज्यादा नहीं है. नाउ देर आर सम इंपैक्ट्स एंड दीज इंपैक्ट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर यू फॉर योर प्रीलिम्स. आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, एंड इफ यू आर लकी और आपके मेंस में भी एकदम कभी क्वेश्चन पूछ गए कि भी अल नीनो के क्या इंपैक्ट होंगे, तो फ्रॉम मेन पर्सपेक्टिव आल्सो यू कैन राइट ऑल दीज थिंग्स. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड इसके इंपैक्ट आपको समझने पड़ेंगे. सो स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स ब्लो वेस्टवर्ड्स अक्रॉस द ट्रॉपिकल पैसिफिक. द रीजन ऑफ पैसिफिक ओशियन लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. सो उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड्स जो है वहां पे निकलती हैं. ओशियन के ऊपर अगर हम इंपैक्ट की बात करें, अल नीनो ऑल्सो इंपैक्ट ओशियन टेम्परेचर, द स्पीड, स्ट्रेंथ ऑफ ओशियन करंट्स, द हेल्थ ऑफ द कोस्टल फिशरीज, लोकल वेदर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया टू साउथ अमेरिका, हर जगह इसका इंपैक्ट देखने को मिलता है. व्हेन इट कम्स टू इंक्रीज्ड रेनफॉल, अब यहां पे जैसा मैंने बताया कि साउथ अमेरिका की कोस्ट के ऊपर
ड्रास्टिकली जो है रेनफॉल बढ़ जाता है, बट इंडिया को यहां पे नुकसान होता है और हमारा मॉनसून वीक हो जाता है। सो इंक्रीज्ड रेनफॉल कहां होगा? साउथ अमेरिका की कोस्ट पे, और नुकसान किसको होगा? इंडिया को, क्योंकि मॉनसून हमारा वीक हो जाता है। तो ये आपको समझना है। नाउ डिजीज कॉज्ड बाय फ्लड्स एंड ड्रॉट्स, अब वहां पे बारिश ज्यादा होती है उस साल जो है डिजीज फैलने के चांसेस भी बढ़ते हैं, फ्लड्स आने के चांसेस भी बढ़ते हैं, ये सब आपके साउथ अमेरिका की कोस्ट पे हो रहा है। सो दीज आर ऑल्सो द इम्पैक्ट, ओके, यू शुड नो अबाउट दैट। सो पॉजिटिव इम्पैक्ट इज इफ यू टॉक अबाउट इट कैन समटाइम हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट टू। फॉर एग्जाम्पल अल नीनो रिड्यूसेस द इंस्टेंस ऑफ हरिकेन इन अटलांटिक। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए कि सिंस एज आई टोल्ड यू कि वहां पे अब पानी उतना गर्म पहुंचेगा ही नहीं, सारा पानी खींच के पैसिफिक की ईस्टर्न कोस्ट पे चला गया, बाकी जगहों पे जो हरिकेन बनते हैं वो वीक हो जाते हैं। सो दिस पॉइंट शुड बी नोन टू यू, ओके। सो इन साउथ अमेरिका एज अल नीनो ब्रिंग्स रेन टू साउथ अमेरिका, इट ब्रिंग्स ड्रॉट टू इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। अब बारिश हो गई आपकी साउथ अमेरिका में और सूखा पड़ेगा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में। सो दिस पॉइंट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये इतना बड़ा इंपैक्ट हो रहा है। Now these droughts threaten the region's water supply as reservoirs dry and river carry less water. Now in western Pacific these winds push warm surface water towards the western Pacific where it borders Asia and Australia. Now another important concept is La Nina. अब ये La Nina इसका उल्टा होता है एकदम, okay? La Nina इसका उल्टा हो जाता है। Now ला नीना इवेंट्स रिप्रेजेंट पीरियड ऑफ बिलो एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर। वहां पे अबव एवरेज सी सरफेस टेम्परेचर था, अब ड्यूरिंग द ला नीना ईयर जिस साल ला नीना इंपैक्ट करेगा उस साल जो है आपका सरफेस टेम्परेचर अक्रॉस द ईस्ट सेंट्रल इक्वेटोरियल पैसिफिक वो जो है आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा, मतलब वहां पे ठंडी पड़ेगी, ओके। अब ये कुछ आप समझिए, अब यहां पे पड़ रहा है टेम्परेचर कम हो गया, मतलब ला नीना ईयर के अंदर यहां पे कोल्ड है, ठंड है, एंड हेयर यू हैव लो प्रेशर, यहां पे लो प्रेशर है और हीट अप हो जाता है ये रीजन। सो ड्यूरिंग द ला नीना ईयर अब यहां पे ये हीट अप होगा और ये है आपका इंडिया, ओके, ये आपका इंडिया है। यहां से जो है आपका मॉनसून गर्म हवाएं पिक करेगा और ड्यूरिंग द ला नीना ईयर इंडिया के अंदर जो मॉनसून है वो अच्छा खासा होता है, बहुत जबरदस्त मॉनसून होता है। सो दिस फैक्ट शुड बी नोन टू यू, ओके, ये सारी चीज मालूम होनी चाहिए। ड्यूरिंग द ला नीना आपका साउथ अमेरिका की कोस्ट ठंडी हो गई और ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया गर्म हो गया, अब बारिश होगी तो इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया में झमाझम बारिश और साउथ अमेरिका में थोड़ा सूखा पड़ जाएगा ड्यूरिंग द ला नीना कंडीशंस। सो यू हैव टू नो दिस थिंग, ओके, ये आपको पता लग गया। अब इसका इंपैक्ट कुछ ना कुछ होता है, वो इंपैक्ट देखते हैं क्या है। सो ला नीना इज कॉज्ड बाय बिल्डअप ऑफ कूलर देन नॉर्मल वाटर्स। अब देखो नॉर्मल पानी जितना था उससे ज्यादा ठंडा पानी हो रहा है यहां पे पैसिफिक ओशियन के अंदर, ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। ला नीना इज करेक्टराइज्ड बाय लोअर देन नॉर्मल एयर प्रेशर ओवर द वेस्टर्न पैसिफिक। तो वेस्टर्न पैसिफिक में प्रेशर कम हो गया, मतलब बारिश अच्छी। सो ला नीना इवेंट्स आल्सो एसोसिएटेड विद रेनियर देन नॉर्मल कंडीशन, ओके। अब ब्राजील जैसे एरिया के अंदर जो है थोड़ा इंपैक्ट अलग होगा। हाउएवर स्ट्रॉन्ग ला नीना इवेंट्स आर एसोसिएटेड विद कैटेस्ट्रोपिक फ्लड्स इन ऑस्ट्रेलिया। जैसा मैंने बताया कि इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी बारिश, ओके, और कैटेस्ट्रोपी आ सकती है, बाढ़ आ जाती है। ला नीना इज करेक्टराइज्ड बाय हायर देन नॉर्मल प्रेशर ओवर द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक, ओके। सो सेंट्रल और ईस्टर्न पैसिफिक के अंदर हायर प्रेशर होता है और आपकी विंड्स तो हाई से लो पे जाएंगी, मतलब सारा की सारी जो है मॉनसून आपकी अच्छी हो जाएगी। सो ये फर्क हो गया। नाउ इंपैक्ट की बात करें तो यूरोप पे इसका क्या इंपैक्ट होगा? सो अल नीनो रिड्यूसेस द नंबर ऑफ ऑटोमनल हरिकेन्स, ओके। अल नीनो जो है हरिकेन को कम करता था, ये हमें पता लग गया अटलांटिक के अंदर। अब ला नीना जो है माइल्डर विंटर्स होती हैं नॉर्दर्न यूरोप के अंदर और कोल्डर विंटर्स होती हैं सदर्न और वेस्टर्न यूरोप के अंदर, ओके। सो ये फर्क पड़ गया आपको यूरोपियन रीजन के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ता है। नाउ व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ अमेरिका, इन कॉन्टिनेंटल नॉर्थ अमेरिका वेयर मोस्ट ऑफ दीज कंडीशंस आर फेल्ट, वाइडर इफेक्ट्स क्या इंफेक्ट होंगे? स्ट्रॉन्गर विंड्स अलोंग द इक्वेटोरियल रीजन। नॉर्थ अमेरिका के अंदर उस टाइम पे अच्छी खासी इक्वेटोरियल रीजन के अंदर स्ट्रॉन्ग विंड्स चलेंगी। फेवरेबल कंडीशंस फॉर हरिकेन। सो देखो आपके अल नीनो ने तो हरिकेन हटाया,
अब ला नीना जो है हरिकेन की ताकत को बढ़ा देता है। ओके, ये फर्क पड़ गया दोनों में, पता लग गया आपको। ग्रेटर इंस्टेंसेस ऑफ टोर्नेडो, अब यूएस के केस में अलग अलग जगहों पे, अलग स्टेट्स पे ज्यादा जो है टोर्नेडो के केसेस बढ़ते हैं। ला नीना कॉजेज ड्रॉट इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज, पेरू और इक्वेडोर के अंदर तो सूखा पड़ जाता है, और अल नीनो में यहाँ पे बहुत अच्छी बारिश होती है। सो व्हेन इट कम्स टू पैसिफिक, इन द वेस्टर्न पैसिफिक ला नीना इंक्रीजेस द पोटेंशियल फॉर लैंडफॉल इन दोज एरियाज, ओके, एंड स्पेशली इट्स इनटू कॉन्टिनेंटल एशिया एंड चाइना, तो वहां पे इस एरिया में बहुत बारिश होती है। सो इट ऑल्सो लीड्स टू हैवी फ्लड इन ऑस्ट्रेलिया, ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देर आर इंक्रीज टेम्परेचर इन वेस्टर्न पैसिफिक, इंडियन ओशियन एंड सोमालियन कोस्ट। सो टेम्परेचर वेस्टर्न पैसिफिक, इंडियन ओशियन के अंदर और सोमालियन कोस्ट में बढ़ता है, मतलब लो प्रेशर बढ़ता है इधर, और हमारा जो मॉनसून है वो और पावरफुल हो जाता है। सो यू शुड नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ये फैक्ट आपको पता होने चाहिए, इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम, आपके एग्जाम में डेफिनेटली इस पे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। देखो प्रीलिम्स के अंदर ऑलरेडी अल नीनो ला नीना पे क्वेश्चन पूछा गया है, सो ये कोई नई चीज नहीं है, एवरी स्टूडेंट जो है जो प्रिपेयर कर रहा है सबको मालूम होता है। सो इन क्लाइमिंग क्लाइमेट चेंज नॉइस, इंडियाज रोल एज कंडक्टर, नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, ओके, देयर इज अ डिबेट, ओके, डिबेट इज बिटवीन डेवलपमेंट वर्सेस क्लाइमेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, नाउ इसको आपको समझना पड़ेगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओके, When you will carry out the developmental activity, pollution तो होगा, okay? Suppose if you are developing, if you are constructing your infrastructure, अगर आप infrastructure पे लगा रहे हो, means you will be emitting carbon dioxide, तो emit होगी, क्योंकि cement आप use करोगे, और cement use करोगे, तो there will be CO2 emission, कोई नहीं रोक सकता है इसको। And India needs to develop, हमें तो अपना infrastructure अभी develop करना है, तो हमारा CO2 एमिशन तो ज्यादा होगा, ओके, बट प्रेजेंटली क्लाइमेट चेंज ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज अ मेजर प्रॉब्लम, ग्रीन हाउस गैस एमिशन इज अ मेजर प्रॉब्लम, अब आपको इसको भी कम करना है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ओके, नाउ डेवलप्ड कंट्रीज दे ऑलरेडी हैव बिल्ट अप देयर इंफ्रास्ट्रक्चर, उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी बिल्डअप कर लिया है, एक सैचुरेशन पॉइंट पे है वो। चाइना हैज ऑलरेडी बिल्डअप देयर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, चाइना में भी अपना इंफ्रा बना लिया है और एक सैचुरेशन पॉइंट पे है। सो जो ये कंट्रीज हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, इट मींस दे कैन डिक्लेयर देयर नेट जीरो, वो अपना नेट जीरो जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं, दैट बाय 2050 वी विल हैव नेट जीरो कार्बन एमिशन, ओके, दिस इज व्हाट दे कैन डू, बट कैन वी अफोर्ड टू डू दिस, दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। Should we compromise our development? क्या हमें अपनी development को compromise करना चाहिए? All the panelists जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बताइए, क्या हमें अपने जो है development को compromise करना चाहिए? So this is the fundamental debate. And there is one important, you know, concept that is called climate justice. Okay? And equity principle. Climate justice and equity प्रिंसिपल, नाउ दीज टू थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए क्लाइमेट जस्टिस कब होगा, क्या इंडिया को डेवलपमेंट का हक नहीं है, क्या इक्विटी प्रिंसिपल कैसे होगा? अब यूएस ने ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन दे हैव ऑलरेडी एमिटेड लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, उन्होंने काफी कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी एमिट कर दी है, ओके, दे हैव ऑलरेडी एमिटेड द कार्बन डाइऑक्साइड, नाउ शुड दे बी पिनलाइज्ड मोर, क्या उनके ऊपर ज्यादा हमें उनके ऊपर चार्जेस लगाने चाहिए, क्या उनका ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, शुड दे शेयर देयर यू नो टेक्नोलॉजी विद अदर कंट्रीज, तो इट इज वेरी मच वायबल ना कि यूएस जो है बाकी देशों के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करे, सो ये बनती है ना बात। सो दैट्स वाई द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लाई विद द डेवलप्ड कंट्रीज, कि उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करनी है, उनको फंडिंग प्रोवाइड करनी है, उनको टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करनी है, उनको फंडिंग भी प्रोवाइड करनी है, एंड दे आर रनिंग अवे फ्रॉम दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे भाग रहे हैं, ओके, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, ये जो है प्रॉब्लम अभी आ रही है। नाउ नव किशोर, ओके, यू आर सेइंग दैट कोई इसके अंदर डेवलपमेंट के अंदर हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, सो व्हाट इज द वे आउट, अब इस डिबेट के अंदर समाधान क्या होता है, द सॉल्यूशन इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द वे आउट, ओके, सो ये आपको यहां पे समझना है। सो राजदीप जी, आपको आपका वॉल्यूम चेक करना पड़ेगा, मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
So let's move ahead. So recent visit to India by US Special Presidential Envoy, वो यहाँ पे आए हुए हैं. Both sides will discuss कि how they are going to cooperate on climate change and they are very much enthusiastic about it and John Kerry is very serious about it. उन्होंने पहले भी बहुत काम किया है जो during the Obama you know administration और उसके अंदर वो थे और काफी क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करते रहे हैं. सो वन थिंग इज क्लियर दैट क्लाइमेट एक्शन एंड क्लाइमेट लीडरशिप आर बीइंग इंक्रीजिंगली मेजर्ड एज अ प्लेनेटरी इंपेरेटिव ऑफ एमिशन रिडक्शन टू नेट जीरो बाय 2050. अब ये देख रहे हैं, इस पैरामीटर पे जज कर रहे हैं कि विच कंट्री इज अनाउंसिंग कि हम जो है 2050 तक नेट जीरो आ जाएंगे. एंड कंट्रीज आर ग्रोइंग फास्ट, सो इंडिया इज अ फास्ट ग्रोइंग कंट्री. हम लोग ग्रो कर रहे हैं, वी वांट टू डेवलप, डेफिनेटली वी नीड सम कार्बन स्पेस. हमें थोड़ा बहुत कार्बन स्पेस तो चाहिए ही चाहिए. थोड़ा बहुत पॉल्यूशन हम करेंगे ही करेंगे क्योंकि हमें अपने लोगों को डेवलप करना है, एक बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देना है. वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते हो. यू कैनॉट रन अवे फ्रॉम दैट. So, is there any equitable way to achieve net zero greenhouse gas emission? Now, this is the another question. क्या कोई तरीका है कि net zero greenhouse gas emission हम अचीव करें बिना pollute किए? Okay. So, recent debate ये चल रही है कि whether India should declare a net zero year or withstand mounting pressure. क्या हम भी declare करें net zero year? See, Chinese are doing it. वेस्टर्न कंट्रीज आर ऑलरेडी डूइंग इट. उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि उनका जो है नेट जीरो ईयर होगा 2050 के अराउंड. अब ये नेट जीरो क्या होता है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ओके मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि जीरो पोल्यूशन. अगेन आई एम टेलिंग यू, इट डजेंट मीन जीरो पोल्यूशन या जीरो एमिशन, कि जीरो एमिशन होगा. नहीं, इसका मतलब ये होगा देयर विल बी एमिशन. थोड़ा बहुत एमिट करेंगे, थोड़ा बहुत रिमूव करेंगे बाय एफोरेस्टेशन. ओके कि जितना हम एमिट करेंगे उतना ही हम रिमूव कर लेंगे एफोरेस्टेशन करके. सो ये डिफरेंस आपको जानना जरूरी है. नेट जीरो का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप जीरो पोल्यूशन कर रहे हो. आप थोड़ा तो धुआं निकालोगे लेकिन साथ साथ पेड़ लगा के उनको रिमूव कर लोगे, उन कार्बन डाइऑक्साइड और उन ग्रीन हाउस गैसेस को. सो दिस इज द मेजर डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए. नाउ What is an alternative way out? Okay, so way out is have some long-term targets or short-term target जिसके through आप decarbonization करोगे. Okay, you need to have some targets. वो targets आपको रखने पड़ेंगे, short-term and long-term. You cannot de-link them. आप उनको de-link नहीं कर सकते because they are interdependent. If you are not able to achieve your short targets, तो आप definitely long-term में तो fail हो जाओगे. Okay. लॉन्ग टर्म में तो फेल हो जाओगे. शॉर्ट टारगेट्स को अचीव कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म में फेल हो जाओगे. दोनों को साथ लेके चलो. सो एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स, इंप्रूवमेंट इन एनर्जी एफिशिएंसी एंड फास्ट पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर अमंग इंडियाज क्रिटिकल लो कार्बन ऑब्जेक्टिव. कि हम क्या कर रहे हैं, एक तो एनर्जी एफिशिएंसी लाने की बात कर रहे हैं. ओके दूसरी चीज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर हम मूव करेंगे. दिस इज व्हाट इंडिया इज वर्किंग ऑन. हम लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, इंडिया इस तरीके से अचीव करेगा. सो वी नीड टू रीप्लान. हमें कोई बहुत चीजों को रीप्लान करना पड़ेगा. यू नीड टू हैव यू नो प्रोस्पेरिटी ऑफ इट्स पीपल इन योर माइंड वाइल मेकिंग अ पॉलिसी. यू कैन नॉट अंडरमाइंड द प्रोस्पेरिटी ऑफ योर पीपल. सो क्लाइमेट जस्टिस शुड एम्प्लाय दैट ह्यूमैनिटी रिस्पेक्ट्स द प्लैनेटरी बाउंड्री ऑफ परमिसिबल ग्रीन हाउस गैसेज बट ऑल्सो इंश्योर्स दैट कंट्रीज अज्यूम इक्विटेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी बेस्ड ऑन देयर पास्ट एंड फ्यूचर एमिशन. नाउ दिस इज द क्रिटिकल पार्ट. So developed countries have polluted this world in the past. They have polluted this world in the past. So you cannot undermine their that responsibility. इतना जो धुआं उन्होंने छोड़ा है आप उसको कम नहीं कर सकते हो, आप उस पाप को हटा नहीं सकते हो. So that's why you need to establish a criteria by which economic advancement and climate responsibility could go hand in hand. See, we know that we have to promote, you know, climate justice also. We have to promote our development also. सो द वे आउट इज दैट कुछ ना कुछ करो, कोई क्राइटेरिया बनाओ कि जिस यहां से इकोनॉमिक एडवांसमेंट और क्लाइमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चले. सो वर्ल्ड बैंक क्लासिफाई अ हाई इनकम इकोनॉमी एज वन विद ग्रोस नेशनल पर कैपिटा इनकम ऑफ $12,000 और मोर. अब ये वर्ल्ड बैंक का पैरामीटर है. एज हाई इनकम कंट्री शुड नॉट गेट मोर देन 15-20 ईयर्स टू अचीव देयर नेट जीरो. जो हाई इनकम कंट्री है उनको जो है 15-20 साल देने चाहिए नेट जीरो को अचीव करने के लिए. सो यूरोपियन यूनियन एंड यूएस रीच नेट जीरो नो लेटर देन 2035-40.
रादर देन 2050। अब वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम 2050 तक करेंगे, तो आइडियली अब ये सजेस्टेड है कि आप 2035-40 तक जो है नेट जीरो पे आ जाओ, स्पेशली फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज। चाइना विल एंटर दिस इकोनॉमी कैटेगरी आफ्टर 2025, सो इट शुड अचीव नेट जीरो बाय 2045। चाइना शुड अचीव नेट जीरो बाय 2045। नाउ इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू बिकम अ हाई इनकम कंपनी, हाई इनकम इकोनॉमी अराउंड 2050। हमारा तो 2050 में जाके हाई इनकम इकोनॉमी होंगे हम, एंड इट शुड टारगेट नेट जीरो क्लोज टू 2070। 2070 तक जाके आपको कुछ नेट जीरो के आसपास होना चाहिए। सो ये एक हम साल डिक्लेयर कर सकते हैं। हम 2050 डिक्लेयर करेंगे तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसी चीज हो जाएगी। सो पर कैपिटा इनकम कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर इनएक्शन इन करेक्टिंग एमिशंस, ये भी आपको समझना है। एग्रीगेट एमिशन आपको बिल्कुल कम करना पड़ेगा, ये कोई यू नो जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपका पर कैपिटा इनकम कम है तो आप स्टेप्स ही ना लो। यस यू हैव टू इंप्रूव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इंप्रूव करो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाओ, जितना हो सके उतना करो, बट साथ साथ अपने लिए जो कार्बन स्पेस है उसको भी मेंटेन करके रखो। सो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जरूरी है, कॉस्ट रिडक्शन करो, ओके, ताकि आप चीजों को अचीव करो। एंड यू हैव टू गिव स्पेस फॉर द डेवलपमेंट ऑल्सो, वो 2070 का अगर आप डिक्लेयर करते हो तो वो डेवलपमेंट वाला आपका जो एक तरीके से प्रॉमिस है वो भी पूरा हो रहा है। ओके, सो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको चाहिए। यू नीड टू प्रायोरिटाइज थिंग्स, यू नीड टू इनोवेट, आपको इनोवेट करना है, और क्लाइमेट फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और बिजनेस मॉडल को आगे बढ़ाना है। फर्दर आपका लाइफस्टाइल भी क्लाइमेट फ्रेंडली होना चाहिए। ओके, सो इफ वी कीप ऑन यूजिंग द फॉसिल फ्यूल और एकदम जो हाई एसयूवीज हम बाय आउट करते रहेंगे, सो दैट इज नॉट क्लाइमेट फ्रेंडली वे ऑफ यू नो लिविंग। तो हमें कुछ चीजें अपने आप को भी सुधारनी पड़ेंगी। सो डिबेट बिटवीन prioritizing only near term action versus announcing long term net zero goal presents a false binary. दोनों interrelated हैं और साथ में लेके चलेंगे, okay? So that's why you need to have some credible promises और उसी के base पे जो है आप चीजों को solve कर सकते हो। Now we are going to cover up this editorial, okay? So we are going to share some information relating to your prelims. Prelims के लिए अच्छा खासा content आपको यहाँ मिल रहा है। So BIMSTECH needs to reinvent itself, okay? BIMSTECH को अपने आप को reinvent करना पड़ेगा। So can you tell me the What our countries are there in BIMSTECH? वो कौन से countries जो हैं BIMSTECH के अंदर होते हैं? जल्दी जल्दी immediately लिखिए, okay? So I am going to start this editorial और उसके अंदर I am going to discuss BIMSTECH में क्या क्या है। So foreign minister of BIMSTECH, okay, they are going to meet virtually, तो ये अब आ रही है बात, and how the world is going to move ahead, उसके ऊपर discussion चल रहा है, okay? और देखते हैं क्या चलता है। तो first of all BIMSTECH countries की अगर हम बात करें तो you should know about their name, कौन से BIMSTECH में है। So it is your Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Sri Lanka and India. Okay, these are the BIMSTECH country and we see BIMSTECH as alternative to SAARC. हम लोग इसे alternative to SAARC के रूप में देखते हैं। क्यों इसको SAARC के alternative के रूप में देखते हैं? Because SAARC में एक country है पाकिस्तान, जो कि किसी भी चीज को पास नहीं होने देता। Okay, Pakistan doesn't allow anything to, China is not there in BIMSTECH. आयुष, सो दीज आर द कंट्रीज, ये आपको मालूम होनी चाहिए। सो ऑल्टरनेटिव जो है आपका सार्क के रूप में हम देखते हैं, दैट्स व्हाई BIMSTECH इज इंपॉर्टेंट। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाइल मोस्ट मल्टीलेटरल ग्रुपिंग फ्रॉम G20 टू ASEAN एंड SCO हेल्ड देयर डेलिब्रेशन एट द हाईएस्ट पोलिटिकल लेवल ड्यूरिंग द COVID-19 टाइम। अब इन सब ने तो डिबेट डिस्कशन किया कि कोविड के साथ हमें फाइट करना है, लेकिन BIMSTECH कंट्रीज ने कोई भी डिबेट नहीं की, ये प्रॉब्लम है। इन कंट्रास्ट टू अ मीटिंग ऑफ इवन SAARC लीडर्स हेल्ड एट इंडियाज इनिशिएटिव अ ईयर अगो, BIMSTECH कुड नॉट अरेंज इट्स मिनिस्टीरियल मीटिंग। BIMSTECH के अंदर कोई मीटिंग नहीं हुई है। नाउ बिफोर यू नो कमिंग टू दिस थिंग, यू नीड टू नो G20 और SCO के अंदर कौन से कंट्रीज हैं। सो दीज आर योर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ओके, SCO कंट्रीज, सो यू शुड नो अबाउट देम। अब अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाई यू शुड नो अबाउट देम, because just have a look, this is your prelims 2020 question. They are saying that which all four countries are member of G20. So G20 के member कौन से थे, ये सवाल आपसे पूछा था UPSC ने prelims 2020 के अंदर। एंड जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये आपको अच्छे से याद रखना है, because you never know when UPSC is going to ask this question. So here are some members जो कि यहां पर मेजर रोल प्ले कर रहे हैं, सो यू शुड नो अबाउट देम। सो चाइना इज द मेंबर,
इंडिया इज अ मेंबर, पाकिस्तान इज ऑल्सो अ मेंबर. ओके, सो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इंडिया पाकिस्तान साथ में आ रहे हैं, नहीं, पाकिस्तान भी मेंबर है. देन ताजिकिस्तान इज देयर, किर्गिस्तान इज देयर, खजाकिस्तान इज देयर, उज्बेकिस्तान इज देयर, रशिया इज देयर. सो दे आर द मेंबर कंट्रीज. और यहां पे अगर आपको लाइट येलो कर में आप देखोगे तो मंगोलिया, अफगानिस्तान, ईरान, बेलारूस, दे आर ऑब्जर्वर्स. ओके, वो अभी ऑब्जर्वर स्टेटस पे हैं, क्या पता फ्यूचर के अंदर वो मेंबर बन जाएं. सो यू हैव टू कीप ट्रैक ऑन दैट. ओके, अदरवाइज द कलर्ड पोर्शन, दे आर द मेंबर कंट्रीज, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान. ओके, यू शुड नो अबाउट इट. सो दीज आर द मेंबर कंट्रीज. नाउ अगेन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट G20 मेंबरशिप. देखो चार ही पूछे हैं उन्होंने, इट इज वेरी अनलाइकली कि G20 के बाकी मेंबर्स कौन से होंगे, इस पे सवाल बनेगा. बट फॉर योर स्टेट सर्विसेज, अगर आप स्टेट सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हरियाणा सिविल सर्विसेज, पंजाब सिविल सर्विसेज और एनी अदर स्टेट सर्विसेज, देन यू शुड नो अबाउट विच ऑल कंट्रीज आर देयर इन योर G20. तो G20 के कौन से देश हैं वो सारे के सारे आपको याद रखने हैं. ओके, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया है. सो वी विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चलेंगे. तो सबसे पहले आपको दिखेगा यहां पे कैनेडा. ओके, सो कैनेडा इज देयर, यूएस इज देयर, मैक्सिको इज देयर. ओके, मैक्सिको भी आपका मेंबर है, वो तो ऑप्शन में ही दे रखा था. देन वी मूव टू साउथ अमेरिका. सो ब्राजील इज देयर, अर्जेंटीना, ब्राजील, अर्जेंटीना, ये दो मेंबर हो गए. देन वी विल मूव टू यूरोपियन कंट्रीज. So, यहां पे यूके मेंबर है और फ्रांस मेंबर है. यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी. ओके, यूरोपियन नेशंस में से कौन से बड़े आ गए? यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये हो गए मेंबर. देन वी कैन कम टू अफ्रीका. अफ्रीका से आएगा आपका एक ही देश, दैट इज योर साउथ अफ्रीका. ओनली साउथ अफ्रीका जो है वो यहां पे मेंबर आ रहा है. देन वी विल मूव टू एशिया. अब एशिया की बात करें तो टर्की आ रहा है इसका मेंबर. ओके, टर्की के पास पैसे अच्छे खासे हैं. देन यू हैव सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया इज अनदर मेंबर. सऊदी अरेबिया के पास पैसे अच्छे खासे हैं. चाइना इज देयर. ओके, इंडिया इज देयर. इंडिया भी है भाई, इंडिया को क्यों नजरअंदाज कर रहे हो. रशिया इज देयर. सो G20 के अंदर जो वो कंट्रीज हैं जिनके पास पैसा अच्छा है, जो इकोनॉमीज अच्छी हैं. ओके, देन ऑस्ट्रेलिया इज ए मेंबर और इंडोनेशिया इज ए मेंबर. जब आप इधर चलते हो थोड़ा और राइट आ जाओ, फिर दो बड़ी इकोनॉमी जो है जापान और साउथ कोरिया. ओके, दे आर अगेन, दे आर वेरी रिच. साउथ कोरिया और ईरान, उनके पास भी पैसा अच्छा खासा है. सो दीज आर द G20 कंट्रीज जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए. अब सवाल उन्होंने पूछ लिया है, बाकियों को आप नजरअंदाज नहीं करते. ओके, सो अगेन आई एम शोइंग यू दिस क्वेश्चन. दीज फोर कंट्रीज वर आस्क्ड, यू नेवर नो, इट कैन बी रिपीटेड, किसी और बाकी जो चार है उनसे पूछ लेंगे. सो कंट्रीज तो बहुत खा रहे हैं एक साथ. ओके, सो ये सारी बात इंपॉर्टेंट है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट इज इंपॉर्टेंट, दिस आर्टिकल इज रिलेटेड टू बिम्स्टेक. तो बिम्स्टेक से रिलेटेड आर्टिकल, तो बिम्स्टेक की बात करते हैं. सो बिम्स्टेक वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अ ग्रुप ऑफ फोर नेशन, इंडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, थ्रू बैंकॉक डिक्लोरेशन. सो 1997 में आपका बैंकॉक डिक्लेरेशन होता है, उसके थ्रू दिस वॉज फॉर्म्ड. सो बिम्स्टेक वॉज एक्सपेंडेड लेटर टू इंक्लूड थ्री मोर कंट्रीज, म्यांमार, नेपाल, भूटान. सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड आइडिया क्या था बिम्स्टेक बनाने का. आइडिया तो ये था कि बे ऑफ बंगाल के आसपास वाले कंट्रीज को हम साथ जोड़ेंगे. अब इसके अंदर आप लोग यहां से कंफ्यूज मत होना कि नेपाल और भूटान तो बे ऑफ बंगाल में कैसे लगेंगे, बट उनको भी मेंबरशिप दे रखी है. ओके, तो उनकी मजबूरियों का हम फायदा नहीं उठाते और मेंबरशिप दे देते हैं. सो इट मूव्ड एज अ लेजरली पेस ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 ईयर्स. फर्स्ट 20 ईयर्स के अंदर कुछ खास काम नहीं हो रहा था, बिकॉज वी वर हैविंग एन इंप्रेशन दैट हम लोग सार्क को रिवाइव कर लेंगे. देन पाकिस्तान इंडिया राइवलरी केम इन टू पिक्चर और उसके अंदर फिर सार्क जो है आपका फेल होने लगा. देन इंडिया रियलाइज्ड, ओके, नाउ इट्स द टाइम टू रिवाइव बिम्स्टेक. फिर हमने सोचा कि अब जो है बिम्स्टेक को रिवाइव करना है और बाकी कंट्रीज के साथ कर लो आप. सार्क के अंदर पाकिस्तान अगर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इनके साथ बात कर लो. नाउ दे आर वेरी इंपॉर्टेंट दीज कंट्रीज, इफ यू सी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी हैव एक्ट ईस्ट पॉलिसी. ओके, यू हैव एक्ट ईस्ट पॉलिसी. तो आपकी यहां पे एक्ट ईस्ट पॉलिसी है. यू वॉन्ट टू गेट कनेक्टेड टू एशियान कंट्रीज. आप एशियान कंट्रीज के साथ अपनी डेवलपमेंट के लिए कनेक्ट होना चाहते हो. फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो दिस पर्टिकुलर ग्रुप इज इंपॉर्टेंट. उसके लिए भी ये ग्रुप इंपॉर्टेंट है. सो आप इसको अंडरमाइन नहीं कर सकते. ओके, सो ये आपको सारी चीज याद रखनी है. देन यू नीड टू अंडरस्टैंड द फोर्थ लीडर समिट हेल्ड इन काठमांडू इन अगस्त 2018 डिवाइज्ड एन एम्बिशियस प्लान फॉर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म.
देखो अब हमारे को पता तो है कि बिम्स्टेक को हमें रिवाइव करना है, सो इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म रिन्यूअल के लिए ऑलरेडी वी आर प्लानिंग, सो वी आर ऑलरेडी वर्किंग फॉर ओके कि इकोनॉमिक और सिक्योरिटी कॉपरेशन जो है दोनों इसमें कॉम्पोनेंट होंगे, बट देर इज अ ब्लेम, ओके, इंडिया के ऊपर ये ब्लेम लगाया जाता है कि वी आर मोर इंटरेस्टेड इन सिक्योरिटी और हम लोग ज्यादा इकोनॉमी के अंदर नहीं इंटरेस्टेड, ये बाकी कंट्रीज इंडिया के ऊपर ब्लेम लगाते हैं। सो इट टुक इंपॉर्टेंट डिसीजन टू क्राफ्ट अ चार्टर टू प्रोवाइड बिम्स्टेक विद अ मोर फॉर्मल एंड स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन, सो द शेयर्ड गोल नाउ इज टू हेड टूवर्ड्स अ पीसफुल प्रोस्परस सस्टेनेबल बे ऑफ बंगाल रीजन, दिस इज वॉट वी आर टारगेटिंग, ओके। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड इंपॉर्टेंस ऑफ आपको बिम्स्टेक कहां से पता लगती है, ड्यूरिंग द सेकेंड स्वेयरिंग इन ऑफ मोदी गवर्नमेंट द लीडर्स ऑफ बिम्स्टेक नॉट सार्क वर इन्वाइटेड एज ऑनर्ड गेस्ट। 2014 के अंदर मोदी जी ने किनको बुलाया था, मोदी जी ने सार्क कंट्रीज के चीफ को बुलाया था, अब जो है मोदी जी ने बिम्स्टेक के चीफ्स को बुलाया है। सो ये आपको डिफरेंस पता लग गया, इतना इंपॉर्टेंट हो गया है अभी हमारे लिए। सो जयशंकर ऑब्जर्व्ड इंडिया सॉ अ मिक्स ऑफ एनर्जी माइंडसेट एंड पॉसिबिलिटी इन बिम्स्टेक, सो डेफिनेटली वी कैन वर्क विद दीज कंट्रीज। सो फॉरेन मिनिस्टर्स क्लियर द ड्राफ्ट ऑफ बिम्स्टेक चार्टर एंड इसके ईजी और अर्ली अडॉप्शन की बात यहां पे चल रही है। प्रिपरेशंस हैव बीन कंप्लीटेड फॉर द साइनिंग इन ऑफ थ्री एग्रीमेंट रिलेटिंग टू म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स, कोऑपरेशन बिटवीन डिप्लोमेटिक एकेडमिक्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी इन कोलंबो। सो दीज आर सम फोकस एरिया, ये हमारा कुछ एक फोकस एरिया है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं, क्रिमिनल मैटर्स के अंदर, लीगल असिस्टेंस के अंदर एक दूसरे को कोऑपरेट करना, समझना एक दूसरे को, डिप्लोमेटिक एकेडमिक्स के अंदर कोऑपरेट करना, दीज आर आर फोकस एरियाज। स्टडी बाय फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैड सजेस्टेड दैट बिम्स्टेक अर्जेंटली नीडेड अ कॉम्प्रीहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अब ये सजेस्ट किया गया है कि बिम्स्टेक को एक कॉम्प्रीहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जरूरत है और वो जो है गेम चेंजर होगा। ओके, सो अदर देन दैट देर आर सम इश्यूज जिसको हमें एड्रेस करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट यू नीड टू अडॉप्ट पॉलिसीज दैट डेवलप्ड रीजनल वैल्यू चेन्स, रीजनल वैल्यू चेन्स को प्रमोट करना है। यू हैव टू एलिमिनेट नॉन टैरिफ बैरियर्स जो एग्जिस्ट करते हैं। यू हैव टू प्रमोट रेगुलेटरी हार्मोनाइजेशन, एक दूसरे के साथ जो हमारे लीगल सिस्टम है वो हार्मोनाइज हो। ऑल्सो लैकिंग वॉज एन एफर्ट टू एंथ्यूज एंड एंगेज द वाइब्रेंट बिजनेस कम्युनिटीज, सो इस एरिया के अंदर जितने भी वाइब्रेंट बिजनेस कम्युनिटी है उनको आपको एंगेज करना है। दिस इज वॉट इज बिम्स्टेक इज ऑल अबाउट, ये चीजें करने की जरूरत है। सो इन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एंड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, कोस्टल सिक्योरिटी कोऑपरेशन, आप लोग साथ में मिलकर काम कर सकते हो। इंडिया हैज लेड थ्रू कॉन्स्टेंट फोकस एंड फोकस अप। ओके, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये जो कंट्रीज हैं ये कंप्लेन करते हैं कि ये ओवर सिक्योरिटाइजेशन हो रहा है बिम्स्टेक का, मतलब आप ज्यादा ज्यादा जो है सिक्योरिटी के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप ज्यादा ज्यादा ये कहते हो कि चाइना इंडिया इस रीजन में आके काम कर रहा है। सो ये बातें नहीं चलेंगी, आप डेवलपमेंट पे बात करो, आप ट्रेड पे बात करो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात उठाओ, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे बिम्स्टेक मेंबर्स को लगता है। सो यू हैव टू एंगेज विद देम, डेफिनेटली थिंक टैंक्स आप सबको साथ में लेके चलो, दिस इज द वे आउट। ओके, सो वट एवर हर्डल्स यू हैव, सो नाउ देर आर सम हर्डल्स, नाउ गोल नाउ शुड बी टू ओवरकम द ऑब्स्टेकल्स जो बिम्स्टेक की सक्सेस में आ रहे हैं। फर्स्ट, अ स्ट्रॉन्ग बिम्स्टेक प्री सपोज कॉर्डियल एंड टेंशन फ्री बायोडिलेटरल रिलेशनशिप अमंग ऑल मेंबर स्टेट। सबसे पहले तो आप जितने भी मेंबर स्टेट हैं उनके बीच में जो कॉर्डियल और रिलेशनशिप है उसको बेहतर करना है, बायोलेटरल रिलेशन उनका अच्छा कर दो, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। सो क्यों हुआ ऐसा, देखो इंडिया नेपाल, इंडिया श्रीलंका, बांग्लादेश म्यांमार, इनके टाइज जो है कुछ खराब हुए हैं इन द रीसेंट ईयर्स, दैट्स व्हाई इट हैज बीन सजेस्टेड फर्स्ट बिल्ड अप द कॉर्डियल रिलेशन, अच्छे रिलेशन करो। सो फर्दर अनसर्टेनिटीज ओवर सार्क होवर्स कॉम्प्लिकेट्स द मैटर्स। ओके, सो बोथ काठमांडू एंड कोलंबो वॉन्ट सार्क समिट रिवाइव्ड, अब उनको लगता है कि सार्क को आपको रिवाइव करना चाहिए, सो इंडिया शुड वर्क विद देम, ये कोशिश कर सकते हैं। चाइनाज डिसाइसिव ओके इंट्रूजन इनटू साउथ साउथ ईस्ट एशियन स्पेस हैज क्रैक हैज कास्ट डार्क शेडोज। देखो चाइना तो यहां पे आ रहा है, डेफिनेटली चाइनीज हैव देयर चेकबुक, उनके पास अपनी चेकबुक है जिसका वो यूज करते हैं, पैसा बहुत है, इन्वेस्टमेंट करते हैं दूसरे कंट्रीज में और उनको अपनी तरफ कर लेते हैं। ओके, सो चाइना विल बी एन एक्टिव प्लेयर एंड रेस्ट ऑल दीज कंट्रीज दे आर गोइंग टू हैव गुड रिलेशन विद चाइना, तो इनके तो रिलेशन चाइना के साथ अच्छे होंगे। सो वी हैव टू फिगर इन आर पॉलिसी, हमारी पॉलिसी में भी चाइना को काउंटर करना वो होना चाहिए। माइट इंडिया माइट हैव टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट, ऐसा हो सकता है, बट देर आर सम हर्डल्स लाइक मिलिट्री कू इन म्यांमार,
Now, military coup in Myanmar and India is a democratic country. How we are going to perceive military leaders? Okay, कि म्यांमार से military leaders जो हैं, जो अब represent करेंगे म्यांमार को, उनके साथ हम कैसे deal करेंगे? So ये अब एक नई चीज है. Okay, so as BIMSTEC readies itself to celebrate the silver jubilee of its formation next year, it faces a serious challenge to effect a paradigm shift in raising the level of our cooperation and regional integration. So this is what they say. Okay, हमारे जयशंकर जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि बहुत बड़ा शिफ्ट आने वाला है. So grouping needs to reinvent itself, possibly even name itself. Okay, तो name ही बदल लो इसका. The Bay of Bengal Community आप इसका नाम रख सकते हो. This is what is required. और यही चीज़ ये point out कर रहे हैं. So Ankit Gupta, I'll address your doubt in the last. So India has walked the talk. Okay, Mr. Modi is saying this. We have provided millions of doses. हमने वैक्सीन अच्छे से दिया है, जो हमारी एक तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी. We have done that. We have delivered vaccines to more than 80 countries. Presently, second wave is going on and still we are exporting Indian made vaccines. तो हमने किसी को भी मना नहीं किया है. ये इंडिया की खासियत है और यही मोदी जी बता रहे हैं. So Modi said world was under prepared for COVID-19 and in that Definitely, India is playing a major role. India यहाँ पे major role play कर रहा है humanitarian जो problem है वो के साथ deal करने के लिए. Okay, so he is praising India's role and definitely we have to be proud of our country. वही चीज़ यहाँ पे बताई है इन्होंने. So global cooperation benefit India and the world. Okay, international cooperation to counter global challenges such as current pandemic is advantageous to both India and rest of the world. This is our external affairs minister is saying. So, ये हमारे लिए important है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा international organizations और अलग countries के साथ आपको engage करना है. Because see, whosoever is having the technology, वो जो है यहाँ पे help कर सकता है. जिसके पास भी technology है, ये humanitarian crisis है, वो share करें दूसरे countries के साथ. This is not the time for profit making. ये profit making का time नहीं है. That's why international partnerships, they are important. वो बहुत important है. So in the recent time, there was weakening of international institutions. तो international institutions जो है वो आपके weak हो रहे थे. Okay, so this is the time that you should revive them. जो भी international organization है, UN, WHO, आप उनको revive करें. So Mr. Jaishankar credited Narendra Modi government for they were the first responder जो pandemic के साथ अच्छे से काम कर रहे थे. Humanitarian assistance दिया हमने. नेपाल के अंदर अर्थक्वेक आया, देन वी हैव सिविल वॉर इन येमेन, साइक्लोन इन मोजाम्बिक. सो इंडिया इज प्लेइंग अ मेजर रोल एंड स्पेशली इंडिया इज हेल्पिंग द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. तो उनका गुडविल तो हमारे साथ अच्छा खासा है. ओके, सो ये सारी चीज अब चल रही है. एंड ड्यूरिंग द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑल्सो वी हैव बीन एबल टू प्रोवाइड हेल्प टू दीज कंट्रीज. हमने सबको हेल्प की है. आप एक बात सोचिए कि साउथ जो आपका अफ्रीका है, वहां पे तो कोई वो रिसर्च भी नहीं चल रही है वैक्सीन को लेके. डू यू सीरियसली थिंक अफ्रीकन नेशंस विल बी एबल टू एवर प्रोड्यूस देयर ओन वैक्सीन? क्या वो खुद की वैक्सीन बना पाएंगे? दे आर डिपेंडेंट ऑन कंट्रीज लाइक इंडिया. ओके, सो S-400 डिलीवरी टू बिगिन बाय नवंबर. ओके, सो S-400 वी बॉट दिस एंटी मिसाइल सिस्टम हमने जो है ये रशिया से खरीदा है. और बिकॉज वी बॉट दिस सिस्टम एंड US वॉज एंग्री, US इज नॉट हैप्पी. ओके, so this is the debate. Because we bought this system from Russians and at that time under one particular law, US has imposed sanctions that other countries should not buy arms from Russia. This is what they are saying. But Indians have done that. We have done that. So this is the debate. Okay, debate is about your autonomy. क्या आप डिप्लोमेटिक ऑटोनॉमी को अंडरमाइन कर लोगे? कि यूएस के साथ आपको रिलेशनशिप अच्छा करना है तो क्या आप डिप्लोमेटिक ऑटोनॉमी को अंडरमाइन करते हो, कर सकते हो कि आप यूएस की इंस्ट्रक्शन पे ही काम करोगे? दिस इज द डिबेट. ओके, ये डिबेट चल रही है अब यहां पे. नाउ अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, अंडर द काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ओके, दे हैव सेड दैट इंडिया शुड नॉट बाय दिस. In October 2018, India had signed a $5.43 billion deal with Russia for 5 S-400 regiment, despite the objections from US. This is what we have done and that's why US is not happy with that. Okay, so US officials on several occasions raised concern over the deal as India deepened its defense cooperation with US and acquired several frontline military platforms. अब यूएस कह रहे हैं कि आप जो है हमसे हथियार खरीदिए तो रशिया से क्यों चीजें ले रहे हो?
ओके सो वी हैव टू बैलेंस बोथ ऑफ देम, ये आपको समझना पड़ेगा। ये इंडिया के इंटरेस्ट में भी है कि हम जो है रशिया और यूएस दोनों को बैलेंस करते हुए चलें। ओके नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस आर्टिकल प्रीलिम के लिए बहुत अच्छा खासा मटेरियल आपको यहां पे मिलेगा। ओके वी आर गोइंग टू कवर लॉट ऑफ थिंग्स, इसके अंदर प्रीलिम्स का कंटेंट अच्छा खासा मिल रहा है। सो लास्ट टू रेनोज ट्रांसलोकेटेड अंडर द आईआरवी 2020 विजन। ओके सो द टारगेट इज टू अटेनिंग अ पॉपुलेशन ऑफ 3000 रेनोज इन असम, ऑलमोस्ट अचीव एज प्रोजेक्ट क्लोजेस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द एम्बिशियस इंडियन रेनो विजन 2020 केम टू क्लोज ऑन ट्यूजडे। ओके एंड देर वॉज यू नो ट्रांसलोकेशन ऑफ राइनोज, और दो एक मेल एडल्ट और फीमेल जो है वो असम के मानस नेशनल पार्क के अंदर भेजे गए हैं। ओके फ्रॉम पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो दिस इज वॉट दे हैव डन। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड, वी शुड हैव एन आइडिया अबाउट दीज मैप। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हैं जो इस न्यूज में आई हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो हेयर इज योर मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। नाउ वन थिंग इज फॉर श्योर, मानस जो है वो ब्रह्मपुत्र के साथ नहीं लग रहा है, ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अब कौन से नेशनल पार्क जो हैं जो ब्रह्मपुत्र के साथ लग रहे हैं वो सारे आपको याद रखने हैं। दिस इज द वॉटर चैनल। ओके सो हेयर इज योर डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क। हम लोग राइट साइड से पढ़ना शुरू करेंगे। सो एज यू सी डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क वो ब्रह्मपुत्र के साथ लग रहा है। देन काजीरंगा नेशनल पार्क इज देयर। ओके लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज देयर। तो काजीरंगा के थोड़ा सा लेफ्ट में जाएंगे तो लाओखोवा, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ओके सो काजीरंगा से नीचे आ जाएंगे ये रीजन। ओके ये लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फर्दर ओरेंग नेशनल पार्क आप देखिए, ये ओरेंग नेशनल पार्क है आपका। ओके दिस इज योर ओरेंग नेशनल पार्क। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपके और ज्यादा लेफ्ट में हो गया। ओके सो ये सारे फैक्ट्स आपको पता लग गए। दैट वन मोर इंपॉर्टेंट पार्ट दैट दीज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स आर लोकेटेड इन असम। तो ये असम के सारे हैं जो आपको यहां पे पता लग गए। एक चीज हम भूल गए, दैट इज योर होलोंगपर गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। होलोंगपर गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके नाउ होलोंगपर गिब्बन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका कौन से स्टेट के साथ लग रहा है? ये देखिए बॉर्डर है आपका नागालैंड के साथ, इसके साथ ये नीचे की तरफ पड़ता है, ये हमें पता लग गया। अब मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर देखिए आप, भूटान है। ओके ये हमें पता लग गया। सो दिस इज हाउ यू हैव टू यू नो लर्न थिंग्स, ऐसे आपको याद रखते हुए चलना है। सो दिस एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैज बीन कंप्लीटेड, दे हैव ट्रांसलोकेटेड द राइनोज, इनको जो है दूसरी जगह ट्रांसफर किया गया है। ओके और आईआरवी का टारगेट जो था वो 3000 राइनोज असम में होने चाहिए, ये टारगेट था। एंड द स्कीम स्टार्टेड इन 2005। ओके सो बट प्लान टू स्प्रेड राइनोज यूनिकॉर्न अक्रॉस 4 प्रोटेक्टेड एरियाज बियॉन्ड काजीरंगा नेशनल पार्क, ओरेंग नेशनल पार्क, पोबितोरा, कुड नॉट मटेरियलाइज, पूरे तरीके से मटेरियलाइज नहीं हो पाया। 8th राउंड ऑफ राइनो ट्रांसलोकेशन अंडर आईआरवी 2020 एंडेड, खत्म हो गया ये। ओके और ये सब किया गया कि इनको मानस टाइगर रिजर्व के अंदर डाला गया, माइनस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या नेशनल पार्क जो भी आप कह सकते हो। सो दिस इज वट वी हैव डन। ओके सो ये चीज हमने अचीव की है एंड इट्स अ गुड थिंग। सो सेवियर ऑफ मानस, नाउ असम हैज एटलीस्ट 5 राइनो बेरिंग एरियाज टिल 1980s. So better conservation efforts have maintained the population of one horned rhinos. और अच्छा हमने maintain किया है. So लाओखोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस, ओरांगा, काजीरंगा, पोबितोरा, हर जगह जो है अब rhinos वहां पे मिल रहे हैं और उनको conserve करने का plan जो है हम चला रहे हैं. This is what we have done. Now lesser known Lakhowa slipped under the radar of international watchdogs. मानस इन फोकस ऑफ नए नियर एक्सटिंक्शन ऑफ पिग्मी होग लॉस्ट द वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग। सो मानस ने अपना जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग है वो खो दिया है। ओके बिकॉज पिग्मी होग वहां से नियर एक्सटिंक्शन पे आ गया है। ओके अब ये मानस को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिली थी 1985 के अंदर, अब जो है वो खो दिया है ऐसा ये कह रहे हैं। सो ट्रांसलोकेटेड राइनोज हेल्प मानस नेशनल पार्क गेट बैक इट्स वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस। अब ये वापस जो है 2011 में इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस दिया गया, पहले मिला था वो खो गया। क्यों? क्योंकि पिग्मी होग नियर एक्सटिंक्शन पे आ गया था, क्योंकि इन्होंने अच्छे से प्रिजर्व नहीं किया होगा, कंजर्व नहीं किया होगा।
नाउ 2011 के अंदर वापस वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस जो है मानस को मिल गया है। सो ये सारी बात आपको पता लग गई, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको पता लग गया, ये मैप हमने देख लिया। वी मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नाउ यूएस टू विड्रॉ ट्रूप्स फ्रॉम अफगानिस्तान, अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, यूएस इज गोइंग टू विड्रॉ। नाउ हाउ दे आर इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इंडिया के लिए। सो स्टेबिलिटी ऑफ अफगानिस्तान, सो आफ्टर द यूएस विड्रॉल अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी का क्या होगा। ओके, सो विल देयर बी तालिबान टेक ओवर, क्या तालिबान का टेक ओवर हो जाएगा। ओके, विल देयर बी स्टेबल गवर्नमेंट, क्या अफगानिस्तान में स्टेबल गवर्नमेंट रहेगी। विल देयर बी यू नो इंक्रीज इन इन्फ्लुएंस ऑफ पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस वहां पर इंक्रीज होगा। दीज आर सम फंडामेंटल डिबेट्स, ये सारी फंडामेंटल डिबेट्स चल रही हैं और इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड, पाकिस्तान हैव अ ISI, ये यहां पे उनका ISI चलाती है। दे हैव गुड होल्ड ओवर तालिबान। ओके, नाउ आई एम हैविंग दिस क्वेश्चन टू यू, आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, डू यू सीरियसली थिंक दैट तालिबान फाइटर्स हु आर ट्रेंड, दे आर टेररिस्ट, ओके, विल दे लीव देयर वेपन ओवरनाइट, एंड कैन वी अंडरमाइंड द चांस दैट दीज तालिबान टेररिस्ट कैन दे बी डाइवर्टेड टू कश्मीर, क्या उनको कश्मीर के अंदर डाइवर्ट नहीं किया जा सकता। दिस इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग। सो एक्सपर्ट्स आर सेइंग दैट द अफगान जिहाद माइट बी डाइवर्टेड टू कश्मीर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंडिया के लिए हो सकती है। ओके, सो दीज आर फ्यू थिंग्स, दीज आर इंडियन कंसर्न्स। फर्दर यू हैव मोर देन $2 बिलियन इन्वेस्टमेंट, आपने अफगानिस्तान की डेवलपमेंट में बहुत पैसा लगाया है, अपना इंडियन टैक्स पेयर का पैसा वहां पे लगा हुआ है। सो इन दैट सिनेरियो आप उसको कैसे जाने दे सकते हो, अगेन इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओके, सो दीज आर सम थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन। नाउ यूएस इज मूविंग आउट, यूएस मूव आउट कर रहा है, तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा उसको लेके कोई क्लैरिटी अभी तक नहीं है। तालिबान इज नॉट यू नो गिविंग अप, जो वायलेंस गिवअप करने की बात थी तालिबान वो गिवअप नहीं कर रहा है। सो थिंग्स आर अनसर्टेन, लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग टू हैपन, आने वाले समय में क्या होगा। टॉक्स आर ऑन, डिफरेंट आइडियाज आर बीइंग प्रपोज्ड। सो वन आइडिया इज दैट देयर शुड बी इंक्लूसिव गवर्नमेंट। ओके, तो एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो है वो बनाई जाए अफगानिस्तान के अंदर, विच शुड हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम तालिबान, तालिबान का भी वहां पर रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो ये चीज एक आइडिया प्रपोज्ड है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड जो अफगान प्रेसिडेंट है, ही इज सेइंग दैट लेट्स कंडक्ट इलेक्शन, इलेक्शन कंडक्ट करवा लेते हैं, तालिबान इलेक्शन लड़ लेगा। ओके, बट तालिबान इज नॉट रेडी फॉर दैट, दैट्स वाई देर आर क्वेश्चन मार्क्स दैट विल डेमोक्रेसी सर्वाइव इन अफगानिस्तान, कि क्या अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी रहेगी। ओके, सो दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन। सो हम देखते हैं क्या ऐसा चलता है कि अब मान लो तालिबान तैयार नहीं हुआ तो कैसे आप जो है वहां पे काम आगे बढ़ा सकते हो। सो कस्टम्स एक्साइज फ्यूल इनडायरेक्ट टैक्स सर्ज। ओके, सो कस्टम ड्यूटी जो है उसका कलेक्शन काफी अच्छा खासा हुआ है, एक्साइज ड्यूटी का कलेक्शन बहुत अच्छा खासा हुआ है, बिकॉज हम लोग जो है काफी चीजों पे पेट्रोल पे स्पेशली जो है एक्साइज ड्यूटी से आपको अच्छा खासा पैसा मिल रहा है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स कि आपका जो है इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है वो ठीक हो रहा है। ओके, सो ये स्टेटिस्टिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ द डिबेट इज दैट शुड वी कंटिन्यू दिस हैवी टैक्सेशन, क्या ये हैवी टैक्सेशन को हमें कंटिन्यू करना चाहिए। दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन। ओके, सो वन थिंग इज दैट यू आर यूजिंग दिस टैक्स फॉर द क्राइसिस सिचुएशन, तो क्राइसिस सिचुएशन के अंदर अगर सेस लगता है तो वो जस्टिफाइड है, और इन अगर आपके पास टैक्सेस बढ़ाते हो तो जस्टिफाइड है। ओके, सो एक तो ये आर्ग्यूमेंट है। अदर आर्ग्यूमेंट इज दैट व्हेन यू आर इंक्रीजिंग दीज टैक्सेस मींस इकोनॉमी के अंदर जो है उसका असर देखने को मिलेगा, देयर विल बी इन्फ्लेशन। ओके, महंगाई तो बढ़ेगी, बिकॉज यू नो प्रोड्यूसर विल पास ऑन दीज एडिशनल कॉस्ट टू जो आपका कंज्यूमर है उसके ऊपर पास ऑन करेंगे। अब डीजल के रेट अगर इंक्रीज होंगे तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा। सो ये सारी डिबेट है कि क्या हमें जो है टैक्स रेट घटाना चाहिए अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए, या फिर टैक्स रेट को इतना ही रखना चाहिए ताकि गवर्नमेंट के पास थोड़ा रेवेन्यू आ सके, वो डेवलपमेंट में कॉन्ट्रीब्यूट कर सके। वन इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट ओके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज नॉट पिकिंग अप इन दिस कंट्री। सो वट एवर इन्वेस्टमेंट दैट वी आर डूइंग, जो भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हो रही है, सरकार पैसा लगा रही है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के अंदर इतना ज्यादा पिकअप नहीं आया है। ये एक मेजर चेंज है जो हमें देखना पड़ेगा, जो हमें एड्रेस करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कैन नॉट कैरी आउट द इन्वेस्टमेंट थिंग फॉर टू लॉन्ग, ज्यादा समय तक सरकार नहीं इन्वेस्टमेंट कर सकती, प्राइवेट सेक्टर हैड टू कम अप।
उनको जरूर यहां पे आना पड़ेगा। फर्दर बैंक्स, क्या बैंक्स जो है प्राइवेट सेक्टर को इजीली लोन दे देंगे? सो रिसेंटली देर वर लॉट ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, लॉट ऑफ स्कैम्स एंड क्राइसिस जो भी सामने आए हैं। सो दीज आर सम डिबेट्स विच आर गोइंग ऑन, ये डिबेट्स जो अब चल रही हैं, तो क्या होगा सॉल्यूशन इन चीजों का वो हमें पता नहीं है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो आई विल एड्रेस योर डाउट, अब मैं आपके डाउट्स जो है वो एड्रेस करता हूँ। सो यशवनी यू आर सिंह, सर अगर तालिबान ने कंट्रोल कर लिया अफगानिस्तान को आफ्टर विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स टू कश्मीर, को रिस्क है ना? बिल्कुल बिल्कुल रिस्क है, आप कैसे अंडरमाइन कर सकते हो? सी देखिए, आपको एक चीज पता होना चाहिए, जो आपका IC-814 का इंसिडेंट याद है आपको, IC-814, ओके, सो इंडियन एयरलाइंस का ये प्लेन था जिसको हाईजैक करके लाया गया था। सो दिस वॉज अ इंडियन एयरलाइन प्लेन जिसको हाईजैक किया गया था। अब ये प्लेन को हाईजैक करके कहां ले गए थे? तो उसको कांधार ले गए थे, ओके, अफगानिस्तान में ही लेके गए थे। एंड एट दैट टाइम तालिबान वॉज इन पावर, उस समय जो है तालिबान का राज होता था अफगानिस्तान के अंदर, एंड दे डिडंट अलाउ इंडियन फोर्सेस टू कैरी आउट द एक्शन। IC-814 इंडियन एयरलाइन का प्लेन था, तो ये हो चुका है। और एक टाइम ऐसा था कि इंडिया, वी नेवर यूज टू रिकॉग्नाइज तालिबान एज अ गवर्नमेंट, हम तालिबान की सरकार को रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, ये भी एक रियलिटी है। इंडियन गवर्नमेंट, वी नेवर यूज टू रिकॉग्नाइज तालिबान, ओके, तो ये रियलिटी है जो आपको मालूम होनी चाहिए। सो प्लाश, नो सर, दे हैव अ एम टू कंट्रोल ओवर अफगान, ओके, यस दे हैव दिस, ओके। सो अंकित गुप्ता इज आस्किंग वट इज क्लाइमेट जस्टिस, ओके, यू आर आस्किंग वट इज क्लाइमेट जस्टिस। नाउ क्लाइमेट जस्टिस इन द सेंस, ओके, सो देर विल बी पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को कम करना है, दिस इज पार्ट ऑफ क्लाइमेट जस्टिस। यू हैव टू रिड्यूस पॉल्यूशन, यू हैव टू मेक दिस अर्थ लिवेबल फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस, ओके, आप फ्यूचर जनरेशन को और प्रेजेंट जनरेशन दोनों के लिए इस अर्थ को लिवेबल छोड़ के जाइए, ये क्लाइमेट जस्टिस है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, कैन वी अंडरमाइन पास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो पास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो पास्ट के अंदर आपने पोल्यूशन किया है, ओके। सो डेवलप्ड कंट्रीज इफ यू सी देम, दे हैव क्रिएटेड लॉट ऑफ पोल्यूशन, लॉट ऑफ ग्रीन हाउस गैस एमिशन इन द पास्ट, स्पेशली जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उनका तो 18th सेंचुरी से स्टार्ट हो गया था, ओके, वो तब से ही पोल्यूशन करते आ रहे हैं। सो कैन वी अंडरमाइन देम? अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट लाइक, डू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज, सो डू दे हैव राइट टू डेवलप? क्या उनका राइट टू डेवलप आप हटा सकते हो? क्या इंडिया का राइट टू डेवलप कोई छीन सकता है? क्या इंडिया ये नहीं करना चाहिए कि हमें जो है अपने इतने सारे लोग हैं इनको हम आगे लेके आए? सो दिस इज द कॉम्पोनेंट ऑफ क्लाइमेट जस्टिस, ये सारी चीजें हैं। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट जस्टिस सेम हुआ ना? फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ टूल टू अचीव क्लाइमेट जस्टिस। सस्टेनेबल, देखो क्लाइमेट जस्टिस आपकी मंजिल है, ओके, क्लाइमेट जस्टिस आपकी मंजिल है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो आपका रास्ता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका रास्ता है, ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ टूल, पाथवे टू अचीव क्लाइमेट जस्टिस, ये फर्क आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है जी। सो यशवनी सर, अगर इंडिया और अफगानिस्तान में कोई एग्रीमेंट साइन कर ले और तालिबान के अगेंस्ट हो तो क्या ये पॉसिबल है? सो यही तो बात हमें देखनी है, इंडिया ऐसा नहीं करेगा कुछ भी। देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर एक चीज होती है, यू हैव टू बी फ्रेंड, यू हैव टू बी फ्रेंड्स विद ऑल स्टेक होल्डर्स, ओके, सो कंट्री के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर होते हैं, चाहे वो तालिबान हो चाहे वो अफगान गवर्नमेंट हो, सबके साथ आपको बात करके रखनी पड़ती है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है बैक चैनल के थ्रू तालिबान के साथ चोरी छुपके बात कर रहे हो, बिकॉज इन द पास्ट US के जो लीडर्स हैं दे हैव ऑल्सो गिवन द स्टेटमेंट कि तालिबान के साथ इंडिया को बात करनी चाहिए, और तालिबान ने स्टेटमेंट दिया था कि कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटरनल मैटर है और वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। दिस इज व्हाट दे हैव सेड, ओके, सो क्या पता कोई बात चल रही हो। सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नॉट यू नो पुट इन पब्लिक डोमेन, जो पब्लिक डोमेन में नहीं आती है, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।